गाइस कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम दोबारा से आप लोगों के लिए लेके आए हैं कार सिमुलेटर 2 की वीडियो। तो आज हम लोग कार सिमुलेटर 2 में चलेंगे जी वैगन मर्सिडीज जी वैगन की ऑफ रोडिंग टेस्ट, जिसमें हम जाएंगे माउंटेन्स पे, वो भी बड़ी बड़ी माउंटेन्स। उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी GT मस्टैंग दिखा देता हूँ जो कि फुल मॉडिफिकेशन में है। उसको मैंने फुल मॉडिफिकेशन किया था, मैं कहूँगा इसकी भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बस आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ अंदर से और बाहर से। देखें, ये देख सकते हैं हमारी GT मस्टैंग, इसके जो गेट्स हैं वो भी ऊपर पाए। तो अभी फिलहाल मैं आपको सही से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं अभी इसकी एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको सारी GT मस्टैंग दिखाऊंगा। तो अभी हम फिलहाल यहाँ से मेन्यू पे जाते हैं, यहाँ से हम लेते हैं हमारी मर्सिडीज जी वैगन। तो जी वैगन इतनी ज़्यादा कार तो होगी जिसकी वजह से जी वैगन नजर ही ना आई। तो हमने ले लिया अपनी जी वैगन। तो आज हम लोग जी वैगन का टेस्ट करेंगे। कमेंट में बताइएगा कि जी वैगन का टेस्ट अच्छा होगा माउंटेन्स पे कि गंदा, कमेंट में आप सारे बताइएगा। तो यहाँ से जल्दी से मुझे ये नहीं पता कि डाउन स्टेयर्स किधर है, इधर नहीं, इधर भी नहीं भाई, क्या मिल जाइए स्टेयर्स, इसको कहते हैं सीढ़ियाँ। तो ये है ठहरी मेरी वनिनो नंबर की वनिनो। तो अब मैं माउंटेन पे जाके अब तब आपसे मिलता हूँ। फर्स्ट टाइम नहीं, हम पहुँच चुके हैं माउंटेन के करीब करीब। तो अब देखते हैं कि इस गाड़ी का कितना अच्छा होता है माउंटेन रेंज पे टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं माउंटेन पे लेके जाऊँ तो आपने इसे वगैरह लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तो फाइनली माउंटेन की ओर पहुँच चुके हैं। चलो तो यहाँ से कोशिश कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से ये गाड़ी नहीं चढ़ेगी, पर देखते हैं कि चढ़ जाएगी। मैंने बताया कि गाड़ी यहाँ से चढ़ जाएगी कि नहीं। वह थोड़ी सी मुश्किल तो हो रही है इस गाड़ी के ऊपर, मुझे लगता है चढ़ जाए। लग तो रहा है कि आराम से चढ़ जाएगी, पर अब यहाँ पर हो सकती है तब यहाँ से निकलते हैं साइड से। तो इसने इस माउंटेन को तो इजीली पार कर लिया। तभी हम चेक करते हैं इसका इस माउंटेन को, इस माउंटेन के टॉप पे। तो अभी तक फिलहाल जहाँ तक नहीं लगता तो कोई गाड़ी नहीं करी, तो कोशिश करेंगे कि उसको चढ़ाएँ। फिलहाल चढ़ पड़ी है आराम से, यहाँ तक तो चढ़ गई आराम इजीली, कोई साल आगे भी इजीली चढ़ जाएगी। यहाँ पे यहाँ तक मैं एक कार को लाया था, उस कार का नेम पर शायद यही थी, पर उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, पर मुझे उस गाड़ी का नेम लिया शायद यही थी शायद। गाड़ी की हिम्मत तो फिलहाल बहुत है, क्वाल फाइनली गाड़ी इसके ऊपर चल सकती है, पर इस माउंटेन के ऊपर बहुत मुश्किल है। अभी तक मेरी फिलहाल कोई भी कार नहीं चली, देखते हैं इसका टेस्ट। भाई हम दोबारा से आ चुके हैं नीचे, तो हम यहाँ से तो फिलहाल गाड़ी चढ़ नहीं रही। यहाँ से तो मतलब कि 0.5% का पॉइंट मिलता था, यहाँ से इन शाला जा रही है, तो यहाँ से जाने से जाएगी नहीं। यहाँ से तो यहाँ से तुम्हारी गाड़ी चढ़ जाती है, ये भी चढ़ जाती। तो अगर मैं सोच रहा हूँ यहाँ से इसको वहाँ से सीधा लेके जाऊँ, वो स्लिप होकर पूरी नीचे आ गई। अगर हम यहाँ से इसको चढ़ा के तो देखते हैं यहाँ पर ये भी जगह है, देख सकता हूँ कि यहाँ पर चढ़ जाएगी। तो अभी ये जो स्ट्रगल हो रही है, स्टक हो रही है, नहीं इसके लिए गाड़ी को चढ़ना यहाँ पर यहाँ तक तो इसने बड़ी हिम्मत की है, शायद चढ़ ही गए।
ओपी गाइस, ओपी ओपी चढ़ तो गई है गाइस, गाड़ी में बड़ी ही बहुत हिम्मत की है। चलो कुछ नहीं, कुछ तो अभी फिलहाल साइड के लेके जाते हैं। गाड़ी भी चढ़ गई है गाइस, गाड़ी को मारना पड़ेगा, गाड़ी तो बहुत पावरफुल है। पर अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं भाई, देखते हैं गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है, छोड़ तो गई है गाड़ी, गाड़ी को मानना पड़ेगा। गाड़ी जो है ऑफरोडिंग के मुकाबले में बहुत अच्छी है। लेकिन बैक चढ़ा के देखते हैं तो शायद चढ़ती रहे नहीं, लेकिन कुछ नहीं होता अगर चढ़ नहीं रही तो बाहर भी एक माउंटेन है उसके ऊपर चढ़ा के देखते हैं। मुझे लगता है उसके ऊपर तो आराम ईजीली चढ़ जाएगी। हम इस टनल के अंदर से जाते हैं, इस टनल के अंदर पानी है लग भी है गोल द्वारा घूमे थे गाड़ी का पानी भाई गोल द्वारा जी जो उसका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है जिसकी वजह से ये उल्टी हो जाती है। घूम आ चुके हैं बाहर, देखते हैं गाइस अभी मुझे वो जगह नहीं मिल रही थी पर मैंने मैप में देखा वो जगह ढूंढ ली है। जी हाँ यहाँ से जाना है, इधर जाना है, ये रही हमारी जगह। हम हमेशा उनकी जगह से लेकर जाते हैं गाड़ी को, हालांकि यहाँ पर उन्होंने ब्रिज भी बनाया हुआ लेकिन मैं फिर भी साइड से आती हूँ। इस मामले में ये तो हर किसी का काम है, ये तो आराम से मिलेगा। बहरहाल ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है, पर वो माउंटेन तो वो काफ़ी ऊँची थी इसलिए वो वहाँ पर ठंडी पाई, लेकिन बाकी जो माउंटेन है वो काफ़ी अच्छी है। ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी, मैंने बताएगा कि इसकी जो टेस्टिंग अभी हमने की है वो अच्छी है कि गंदी। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो टेस्टिंग बहुत ही अच्छी है, पर आपने तो मैंने बताएगा कि इसकी टेस्टिंग अच्छी थी कि गंदी। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।